प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस ना लेने और NCERT की ही किताबों से पढ़ाई करने, साथ ही बच्चों की बगैर परीक्षा लिए ही प्रमोट करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बरेली के कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। क्या बोले हैं नेता, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम जनक प्रसाद है, हम आम आदमी पार्टी से हैं। मामला ये है, जो ये आपदा जो आई है, कोरोना आई है, 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, सभी मजदूरों की सभी की नौकरी चली गई है, बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है लगातार फीस के लिए दबाव बनाए हुए हैं अभिभावक के ऊपर। तो हमारी पार्टी की मांग है कि जो फीस 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए, दूसरा NCERT की जो बुक्स जो गवर्नमेंट ने लागू करे उससे पढ़ाई करी जाए, क्योंकि जो प्राइवेट बुक्स हैं वो बहुत महंगी बेच रहे हैं, सब प्राइवेट पब्लिशर बहुत महंगी बेच रहे हैं। और तीसरी मांग यह है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, एग्ज़ाम ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण वो अपनी बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती है। तो ये 3 मांग लेके मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि इस मांगों को लेके बहुत वो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण निभाएंगे बिना किसी राजनीति को ध्यान में रखते हुए।